हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश मैं हूं अंश आज हम पढ़ेंगे आपके विस्थास बुक का चैप्टर जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मॉमी विजार्ड आप समझते हो जादूगर ठीक है ना शुड विजार्ड हिट मॉमी क्या जादूगर को मॉमी को मारना चाहिए इस चैप्टर का जो टाइटल है इसका जो मीनिंग है वो आपको चैप्टर के एंड में समझ आएगा ओके तो आज हम स्टोरी पढ़ेंगे शुड विजार्ड हिट मॉमी ओके शुड विजार्ड हिट मॉमी आपके ऑथर हैं जॉन अबडाइक ओके तो शुड विजार्ड हिट मॉमी आपके विस्तार बुक की स्टोरी है ओके इंग्लिश से रिलेटेड सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है आपकी क्लास ट्वेल्थ ओके फ्लेमिंगो की और विस्तार चल रही है पूरी प्लेलिस्ट आ, अच्छे तरीके से अरेंज्ड है आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर दे सकते हैं अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी ओके तो इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे आज कीजिएगा तो देखो शुड विज़ार्ड हिट मॉमी अपन स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को ओके शुड विज हिट मॉमी ओके तो देखो इसमें कुछ करेक्टर दो ही कर देखो सुनना जैक जो भाई फादर है एक पिता है और जो उनकी डॉटर है जो जो, 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 जो रात को सोती है ना तो उसको कहानियाँ सुनाया करते हैं ठीक है उसको जब भी वो सोती है रात को तो उसे कहानियाँ सुनाकर ही सुलाते हैं और उनकी जो कहानियाँ रहती है उनकी एक उनका जो करेक्टर होता है कहानियों में वो एक सेम ही रहता है जिसका नाम होता है रोजर सिर्फ एक बार रोजर ठीक है तो हमेशा जो कहानियां सुनाते हैं उसमें एक हमेशा रेपिटेडली एक करेक्टर रहता है रोजर तो कभी किसी कहानी में रोजर कोई गिलहरी होता है किसी में कोई पक्षी होता है किसी में कोई फिश होता है तो रोजर उनका करेक्टर ठीक है ना तो हमेशा इससे ही संबंधित कहानियां सुनाते रहते हैं और उस कहानियों में क्या होता है देखो उनकी जो थीम होती है एक इसी तरह की चीज तो ध्यान से सुनना रोजर उनमें करेक्टर होता है वो चाहे तो फिश हो चाहे वो स्क्वायर हो मतलब गिलहरी हो चाहे वो कोई और कुछ हो तो वो क्या करता है वो बहुत ही परेशान रहता है अपनी दिक्कतों के कारण तो एक वाइज आउल के पास जाता है ओके वॉइसउल उसको बत, बोलता है कि ये मेरी ये उसके पास जाता है रोजर रोजर कहता है मेरी ये परेशानी तो वाइस आउल कहता है कि मुझे तो नहीं मैं थोड़ी ना आपकी परेशानी तो वाइस जाउल कहता है कि भाई आप जो बुद्धिमान जो उल्लू है ओके उसके फिर वो कहता है कि जंगल को पार करके पहाड़ियों को पास एक ऊपर एक विजार्ड रहता है एक जादूगर रहता है वो आपकी प्रॉब प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर देगा ठीक है आपकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम को सुलझा देगा तो विजार्ड सुलझा देगा आप रोजर हमेशा जाता है विज़ार्ड के पास और विज़ार्ड उसकी प्रॉब्लम को पूछता और वो अपनी मैजिक स्टिक को घुमाता और वो सही कर देता है ठीक है वो अपने रोजर खुश हो जाता है और फिर क्या होता है फिर रोजर कहता है मेरे पैसे ये सॉरी विजार्ड कहता है मेरे पैसे तो पैसे तो मेरे पास है नहीं पे तो मैं कर नहीं सकता पैसे है नहीं मेरे पास तो फिर वो क्या विजार्ड क्या करता है? कि आप कुएं के पास जाओ थोड़े से जंगल को पार कर एक गली है उसके पास एक कुआ है उसको आप चार चक्कर या जितने भी आप चक्कर लगाते जाओगे उतने आपको पैसे मिलते जाएंगे तो फिर वो वो चक्कर करता है और फिर आके इनको पैसे दे देता है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है हमेशा इसी तरह स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है ओके okay. तो इसी तरीके से आप सुनना ये वाली स्टोरी ऐसी इस तरीके की स्टोरी उसके जो फादर है जो के फादर जो के फादर है वो उसे इस तरह की स्टोरी सुनाता है उनका करेक्टर रहता है रोजर रोजर है वो दुखी रहता है अपनी कुछ परेशानियों के कारण वो एक बुद्धिमान आउल के पास जाता है आउल उसकी सॉल्यूशन कर नहीं पाता तो आउल उसको विजाट के पास भेजता है जादूगर के पास भेजता है जादूगर उसका सॉल्यूशन कर देता है और फिर सॉल्यूशन करके उसको पैसे पैसे मांगता है तो पैसे होते नहीं उसके पास तो वो एक तरकीब आता इस तरह को एक हजारों और घूमा तो पैसे आएंगे तो फिर उसको ला दे देता है और कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है ओके तो इस बार क्या इस बार भी उनकी कहानी इसी तरह की आप स्टार्ट करते हैं अपनी शुड वी हिट मॉमी अभी चल रही है ना तो इस तरह की आप सुनना ये थीम रहती है जैक की तो आज जो कह रहे हैं कि पापा आज मुझे अच्छी स्टोरी सुनाना कोई ओके तो आज वो स्टोरी सुना रहे हैं भाई रोजर स्कंक की रोजर मैंने कहा ना आपको करेक्टर तो रहेगा उनका मगर इस बार स्कंक कोई जानवर होता है ओके जो स्कंक एक इस प्रकार का जानवर होता है जो बहुत ही ज्यादा बदबूदार होता है बहुत ज्यादा उसमें से स्मेल आती है वो होता है स्कंक, ठीक है तो एक स्कंक है रोजर नाम का वो भाई बहुत बुरी तरह स्मेल आती है उसमें से कोई भी उसके पास नहीं आना चाहता ठीक है अब रोजर है बता रहे हैं कि रोजर शंख स्कंक रोजर स्कंक है वो इस तरह का है जिस उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है वो दोस्तों के पास जाता है तो उसमें इतनी स्मेल आती है कि दोस्त उसको भगा देते हैं कि जा जा गंद आ रिय तेरे में से रह सब तो उसके कोई दोस्त भी वो जहाँ जाता है वो वहाँ उसकी उपेक्षा हो जाती है और उसको उसकी गंध के कारण उसे भगा दिया जाता है भाग्य से गंध आय तेरे में से और रह स तो वो क्या करता है वो सोचता है कि सॉल्यूशन इस चीज़ का मेरी इस गंद का सॉल्यूशन हो जाए भाई समझ रहे हो तो वही वाली बात अब सॉल्यूशन के लिए वो जाता है वाइज आउल के पास एक फिर वो जाता है कि बुद्धिमान आउल के पास अब बुद्धिमान बुद्धिमान एक उल्लू के पास जाता है तो भाई वो वो कहता है कौन आ गया ये गंद आ रही है इतनी बुरी तरीके से वो कहता है कि मैं रोजर स्कंक हूँ मैं इस प्रकार का जानवर हूँ मेरे में से बहुत गंध आती है और इस तरीके से तो मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है कुछ कोई कुछ भी मेरे को अपने पास नहीं बुलाता है रहसर वैसे तो वो कहता है कि मेरे पास थोड़ी ना कोई सोल्यूशन है आपका मेरे पास थोड़ी ना कोई सोल्यूशन है आपका तो आप क्या कीजिए आप कीजिए आप देखो इस जंगल को पार करके एक पहाड़ है पहाड़ के ऊपर चोटी पे एक विजार्ड रहता है एक विजार्ड रहता है एक जादूगर रहता है भाई ओके उसके पास जाइए वो आपकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम को सुलझाएगा ठीक है अब अपने जो रो, रोजर स्कंक है ना वो चले जाते हैं विजार्ड के पास कंफ्यूज मत हो ना भाई अपन ये स्टोरी पढ़ रहे हैं देखो ये जो मैंने आपको बताया था ना कि रोजर उनकी करेक्टर होता है हर स्टोरी में ये एक उनकी विधि रहती है ये जो चीज़ है ना उनकी स्टोरी सुनाने की विधि रहती है और हमेशा कभी कुछ रोजर कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है कभी फिश होता है कभी क्या होता है तो इस तरह की स्टोरी करके हैप्पी एंडिंग देखो इसमें भी क्या हो रहा है देखो रोजर है ना इसमें एक स्कंक है बदबूदार जानवर होता है वो है और कुछ और होता है ठीक है ना तो अपन इस स्टोरीज की बात ही नहीं कर रहे हैं तो वो रोजर अपनी परेशानियों

तो बुद्धिमानाओं लोग कहता है कि मेरे पास थोड़ी ना आपका कोई सॉल्यूशन तो फिर वो क्या जाता है फिर वो उसको बताता है कि विजार्ड के पास जाओ जादूगर के पास जाओ अब वो जादूगर के पास जाता है ठीक है अब जादूगर क्या करता है हमें कहता है कि हाँ अरे क्या कौन आ गया इतना गंदी बदबू लेकर इस तरह से जाओ यहाँ से और इस तरह से तो कहा कि मैं रोजर स्कंक हूँ मेरे में से मैं इस प्रकार का जानवर हूँ कि मेरे में से मैं मेरी जो गंध है मेरे स्मेल है उसके कारण परेशान हूँ ओके okay, मेरी स्मेल के कारण परेशान हो कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनता सब मुझे भगाते रहते हैं ऐसे वैसे तो फिर वो कहता है मुझे मेरी जो स्मेल है वो चेंज करवानी है तो विज़ार्ड जो जादूगर है वो बोलता है कि आपको किस की गंद चाहिए तो वो कहता है मुझे रोज़ की तरह महकना है गुलाब की तरह तो अपने जादूगर अपने छड़ी को घुमाता है और ये लो फिर वो जो अपना जो रोजर स्कंक है ना वो एक रोज़ की तरह है। रोज़ की तरह गुलाब की तरह स्मेल करने लग जाता है भाई गुलाब की जिस गुलाब की तरह उस पे खुशबू आती है अब वो जाता है अपने टाउन वापस तो बहुत अच्छी तरीके से यार बहुत अच्छी तरीके से खुशबू आ रही है उसके सारे दोस्त बन गए हैं नए नए दोस्त बन गए हैं अब और बहुत अच्छे तरीके से वो लाइफ काट रहा है इस तरह से अब जो जो है वो सो उसको सुलाने के लिए क्या कर रहे हैं की स्टोरी सुना रहे हैं अपनी बच्ची को सुलाने के लिए स्टोरी सुना रहे हैं तो आपकी जो जो है वो बीच बीच में जो कुछ खुश अब बच्ची है तो बच्चों में क्यूरसिटी होती है वो बच्चे क्वेश्चन को पुट अप करते हैं तो पूछ रहे हैं कि ये जो रोजर स्कंक है अब ये मतलब बता रही है वो कि वो रोज़ की तरह महकने लग गया अब तो अच्छा हो गया उसकी लाइफ में और इस तरह से तो ये वाली चीज़ें वो बीच बीच में बोल भी रही है तो उसके फादर उसे कह रहे हैं कि आप बोलो माँ आप स्टोरी सुनो क्योंकि वो बोलेगी ना अगर तो वो सोएगी नहीं कि वो स्टोरी बोलती रहेगी तो बीच बीच में सोएगी नहीं वो इसलिए वो ये चाहते हैं कि बस मैं स्टोरी सुना रहा हूँ सुन तू अच्छे से और तू सो जा ठीक है ना तो अब रोज की तरह वो स्मेल करने लग गया इतने अच्छे सारे महकने लग गया इतने सारे उसके दोस्त बन गए वो बहुत ही खुश होने लग गया अब वो अपने घर जाता है ना जब रोजर स्कंक अपने घर जाता है तो अब स्कंक है तो इसके घर में जो इसी प्रजाति के रहते होंगे स्कंक ही स्कंक ही रहते होंगे ना इसकी फैमिली स्कंक सी है तो अभी अपनी फैमिली में जाता है तो सब तो गंध वाले हैं ये एक महक वाला तो इसकी मम्मी है ना जो मम्मी इसके देती है जचा कर कि ये क्या है ये तेरी स्मेल कहाँ गई तू ऐसे महक कैसे रहा है ये क्या हो गया तेरे को अपनी ओरिजिनल स्मेल कहा है ये तेरे को ये रोज की स्मेल किसने दी पता मेरे को किसने दी इस तरीके से वो कर रही है तो उसको थप्पड़ के कहा मेरे को विजार्ड ने दी क्यों मैंने कहा था कि क्यों क्यों उस विजार्ड के पास गया तू कि मुझे मेरे कोई दोस्त नहीं बनता इस तरह से उस तरह से तो मेरे सब भगाते रहते हैं मेरे को तो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं विजार्ड के पास मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने गया था ठीक है तो उसको पकड़ के ले जाती अब जो रोज़र की मम्मी है ना मम्मी है, रोजर की मम्मी है। रोज़र की भाई वो भाई क्या करती है भाई वो रोजर स्कंक को ले जाती है विज़ार्ड के पास वापिस पकड़कर ओके पकड़ कर ले जाती है और विजार्ड के सिर पे मारती है ऐसे कोई होगा उनके पास उससे जो रोजर स्कंक की मम्मी है ना वो उनके सिर पे मारती है कि इसकी जो स्मेल है ओरिजिनल वापिस कर वापिस कर मतलब वापिस दे इसको ये जो रोज़ रोज नहीं चाहिए हमारे को हमारे को इसकी जो स्कंक की जो गंधा वो वापस दे जो बदबूदार था ये जैसा वैसा इसको बदबूदार बना तो उसके सिर पे दी तो फिर विजार्ड ने क्या करा विजार्ड ने वापस खड़ी घुमाई और उसको पहले जैसा कर दिया ठीक है अब पहले जैसा कर दिया वो वापस आ गए अपने टाउन में तो रोजर इस खंक है ना जो अब आपना वापस इसी तरह बदबू फैलाता रहा मतलब अब वो वापिस वो बुरी तरीके से स्मेल करने लग गया जो उसके दोस्त बने थे वो भी सब ऐसे चले गए और इस तरीके से और अब वो पहले जैसा हो गया है और उसके जो भी दोस्त बने थे वो सब वापस उससे दूर हो गए हैं वापस पहले जैसे जो उसके दोस्त नहीं बनते थे सब कहीं भी जाता था उसकी उपेक्षा भाग यहाँ से और इस तरह होता था वो पहले जैसे हो गया ठीक है और अब क्या करते हैं उनके फा जो अब जो जैक है वो क्या कहते हैं हैप्पी एंडिंग स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई ओके ये लो जैक कहने से अब जो है वो कह रहे ये क्या हैप्पी एंडिंग हुई भाई उसको इतनी अच्छी स्मेल मिल तो गई थी तो अब वापस उसकी मम्मी ने ऐसा क्यों करा उसकी मम्मी ने विजार्ड को क्यों हिट करा क्यों मारा उसको उसको इतना अच्छा महक रहा था वो जब रोज की गंद आ रही थी उसमें से तो उसको वापस उस स्कंक क्यों बना दिया गया उसमें वो बदबूदार वापस क्यों बना दिया गया उसे तो अब उसके फादर से डांटते हैं कि तुम सो जाओ तुम करो मत क्योंकि उनके फादर को क्या नीचे क्या नीचे जब उनकी वाइफ है वो सिक्स मंथ प्रेगनेंट है तो वो क्या वो कलर कर रही है अलमारीज को तो उनकी हेल्प करने के लिए जाना था इसलिए वो जैक जो फादर है वो अपनी डॉटर को स्टोरी सुना रहे थे जिससे वो सो जाए और वो सो जाए तो उनकी हेल्प करवा सके ठीक है अभी जो तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही वो कह कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है उसकी इतनी अच्छी स्टोरी चल रही थी उसको रोज़ की स्मेल मिल गई और अब वो अच्छा तरह उसके फ्रेंड्स बन गए और इस तरीके से अब वो अच्छी लाइफ जी रहा है और ऐसे ऐसे और फिर उसकी मम्मी ने क्यू विजार्ड के पास गई क्यू विजार्ड को उस कहा कि उसकी वापस वो जो ओरिजिनल गंद थी वो वापस दे ओके तो ऐसे ऐसे बोल रही है अपने फादर को बेटा बस ऐसे ही क्या तो वो कह रही है कि फिर वो कहते हैं कि बस हैप्पी एंडिंग है अब ओके तो अब उसके फादर जा रहे हैं कि अब चुपचाप सो जाओ अब चुपचाप सो जाओ मैं जा रहा हूँ अब चुपचाप सो जाओ ठीक है अब वो जो कह रही है हाँ ठीक है अभी तो मैं सो रही हूँ मगर अगली स्टोरी में इस तरह हैप्पी एंडिंग नहीं होनी चाहिए अगली स्टोरी में ये होना चाहिए कि विजार्ड जो है ना जो वो जादूगर है वो माम, मम्मी को मारे मम्मी को मारे मतलब हिट करे हिट करे और है ना फिर रोज ये जो ये जो रोजर है ना अपना उसको वापस अच्छी गंध मिल जाए नहीं समझे क्या मतलब कह रहे कि उसके फादर कह मैं जा रहा हूँ भाई जा रहा हूँ अब आप चुपचाप सो जाओ आपको हैप्पी एंडिंग कर दी ना स्टोरी की कि ये कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती है तो फिर अब आप चुपचाप सो जाओ कल सुनेंगे और दूसरी स्टोरी तो कहता है कि अब अगली जो स्टोरी सुनाओगे ना मेरे को वो जो कहती है बच्ची जो तो है वो कहती है कि अगली स्टोरी में ऐसा होना चाहिए कि वो जो विजार्ड है ना वो आकर मम्मी को हिट करे मतलब मारे थोड़ा सा हिट करे और वो जो रोजर है ना उसकी जो स्मेल है ना जो ये रोज़ वाली स्मेल वो उसे दी जाए वो वापस महकना चाहिए जिससे उसके और सारे दोस्त बन जाए और तो इतने में तो ये जो है वो आपकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है वो ऐसा ना कहकर वो सो जाती है और उसके फादर जो है वो गेट बंद कर देते हैं और वो भी अपने वाइफ के साथ जाते है। तो क्या करते हैं वो नीचे जाते हैं ना जब उसकी मद अपनी वाइफ़ की मदद कर तो उनका जो माइंड है वो खराब हो चुका है खराब इसलिए हो चुका है क्योंकि बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं तो वो अड़ जाते हैं अड़ ही जाते हैं क्वेश्चन कर करके क्वेश्चन कर करके आदमी का जो जो मस्तिष्क है वो खराब कर देते तो वो थोड़े से परेशान से हो गए और कह इतनी देर लग गई जो को सुलाने में वो सोचती तो एनी क्वेश्चन करते जा रही है यार दिमाग खराब हो गया मेरा तो तो ये वाली पोजीशन है तो अब वो अब वो बताओ अब कोई दिमाग खराब होकर कोई काम करता है तो अच्छा होता है क्या नहीं होता ना तो अब वो अपनी वाइफ के साथ हेल्प तो कर रहे हैं मगर इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका मस्तिष्क खराब हो चुका मतलब थोड़े से अब थक से गए हैं माथे से तो आपकी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है लो बस इतनी सी स्टोरी है तो शुड विजार्ड हिट मम्मी तो एक क्वेश्चन छोड़ दिया क्या विजार्ड को मम्मी को हिट करना चाहिए ओके नहीं समझे ओके तो अगली स्टोरी में जो ये चाहती है कि कि उसके फादर है ना इस तरह से स्टोरी क्रिएट करे जिसमें विज़ा विजार्ड है ना वो मम्मी को हिट करे ओके और फिर रोजर ये जो रोजर है उसको वापिस स्मेल देते ठीक है नहीं समझ आ रही आपको स्टोरी तो आप वापिस देखिए मैंने एकदम सीक्वेंस से पढ़ाई है आप अगर चलो नहीं आ गई होगी वैसे तो मैं होप करता हूँ आपको समझ आई होगी तो इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा है शुड विजार्ड हिट मॉमी क्या विजार्ड मॉमी को हिट करेगा थोड़ा सा मारेगा ठीक है तो ये स्टोरी आपकी खत्म तो देखो जो जो है वो चाइल्डिस है बच्ची है इमेच्योर है तो उसके आप देखो इसके कुछ ओपिनियंस भी निकलते हैं इस स्टोरी के वो मैं आपको बताता हूँ जो है जो, जो 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 बच्ची है वो भाई वो बच्ची है अभी इमेच्योर है अ परिपक्व है ना अभी तो उसके अनुसार ये है कि भाई अगर हम अच्छे से महकेंगे तभी हमारे दोस्त बनेंगे मतलब अपन समझते हैं मतलब हम अच्छे तरीके से अपने शरीर अपनी पर्सनैलिटी को अलग करेंगे अच्छे से परफ्यूम लगाएंगे जो भी है अच्छे से महकेंगे अच्छे दिखेंगे उससे हमारे दोस्त बनेंगे उससे ही हम जाने जाएंगे उससे ही हम मतलब प्रसिद्ध होंगे सब कुछ और जैग जो है वो मैच्योर हैं फादर है ना जो वो तो मैच्योर है उनके ओपिनियन से क्या निकलता उनके ओपिनियन से निकलता है कि ज़रूरी नहीं कि हम हमारी जो पर्सनैलिटी है मतलब महक ठीक है ना हमारी जो स्मेल है उससे मतलब पर्सनैलिटी से हमारे आउटलुक से हमारी वेशभूषा से जो भी है उससे फ्रेंड्स बना सकते हैं या फिर दो औरों से दोस्ती कर सकते हैं या फिर औरों से संपर्क कर सकते हैं सारी चीज़ें ठीक है ना उनके अनुसार फादर कर वो मेच्योरली चीज़ों को सोच रहे हैं और जो है वो चाइल्डिश है बच्ची है अभी वो इमेचरली मतलब अभी अपरिपक्व परिपक्व है तो वो जितना उसका मस्तिष्क उतना ही तो सोच रही है ठीक है तो ये दो ओपिनियंस भी निकलता है इस स्टोरी के कि फादर तो उसके जो फादर हैं जैक वो तो भाई काफ़ी अच्छे तरीके से पॉइंट करके चीज़ों को समझते हैं और जो है अभी चाइल्डिश है बच्ची है ठीक है उसके अनुसार हम अच्छे कपड़े पहनेंगे स्मेल मतलब समझना अच्छे कपड़े पहनेंगे पर्सनैलिटी आउटलुक सब कुछ तो उससे ही हमारी फ्रेंडशिप हो रही सब कुछ ठीक है ना और उसके फादर इसके विपरीत है मेच्योरली सोचते हैं तो ये दो ओपिनियंस निकलते हैं होप करता हूँ आपको ये जो स्टोरी है समझ आई होगी आराम से समझ आ गई होगी अगर नहीं आई हो सुनिएगा कि नहीं आ, कई बार मैंने ये चीज़ देखी है बच्चों को ये जो स्टोरी है बार पढ़ने में समझ नहीं आती मैं आपको बताऊं कैसे समझ आएगी ये बार आपने देख ली मेरी एक बार ये वीडियो लेक्चर देख लिया ठीक है अब आप एक बार आपकी जो बुक है विस्तास उसमें इसको इस स्टोरी को आप पढ़िए उस इस स्टोरी को पढ़िए आप ओके खुद पढ़िए लाइन बाय लाइन पढ़ लिया ओके रीड कर लो ठीक है समझ आ रही हो नहीं आ रही हो एक बार रीड कर लो ओके फिर उसके बाद करना उसके बाद एक बार और ये जो वीडियो लेक्चर है वो देख लो आपकी स्टोरी है वो अच्छे से हो जाएगी तैयार ठीक है ना तो इस तरीके से आप ये स्टोरी को अच्छे से बाय हार्ट लर्न कर सकते हो ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें अपने जो ट्वेल्थ के साथी हैं उन्हें उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और बताइए उन्हें कि इस तरीके से अच्छे वे में इंग्लिश टीच करी जाती है इस चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए आप ओके तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें ओके एनी काइंड ऑफ डाउट आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो यू कैन मैसेज में डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स आपको प्रोवाइड है वहाँ से आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे उससे आस्क कर सकते हैं अपने डाउट्स को ओके okay? और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है ना वो आपको पी फॉर्म में मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर वो भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वो ले सकते हैं पी फॉर्म में इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक और टेलीग्राम इन सब के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे ओके तो एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन मैसेज में ठीक है और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें कमेंट करें अपने सजेशन दें अपने ओके शेयर करें अपने ट्वेल्थ के साथियों के साथ सब्सक्राइब करें चैनल को ओके मैं मिलूँगा आपसे फिर थैंक यू वेरी मच